आदरणीय भगवान, टॉपिक की चर्चा तो मैं करूंगा, लेकिन उसके पहले आपको बताते हुए मुझे बेहद संतुष्टि हो रही है कि आज मेरे श्री चार्ट महालक्ष्मी अनुष्ठान के 37 सप्ताह संपन्न हो चले हैं। श्री चार्ट महालक्ष्मी जी अपने साक्षात एवं सजीव रूप में मेरे क्लाइंट्स का मार्गदर्शन करके मुनाफा बनवाती रहें, इसी प्रार्थना में मैं आजीवन अंतिम सांस तक लगा रहूंगा। आदरणीय भगवान, मैंने आपसे निवेदन किया हुआ है कि सरकारी क्षेत्र की जो कंपनियां अभी तक पॉल्यूशन फैलाती थीं, उन पर फोकस कीजिए, क्योंकि अब ये कंपनियां पॉल्यूशन कम कर रही हैं। आप देख लीजिए, बीपीसीएल ने एक नहीं दो दो ज्वाइंट वेंचर्स बनाए हैं। पहला ज्वाइंट वेंचर्स ग्रीन हाइड्रोजन की फील्ड में है, दूसरा ज्वाइंट वेंचर कंप्रेस्ड बायोगैस की फील्ड में है। पूरे देश में, जी हाँ जनाब, पूरे देश में बीपीसीएल कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने जा रही है। स्टार्टअप नई कंपनियों के साथ गठबंधन किया है, तो जाहिर है जो ज्वाइंट वेंचर होगा वो तेज रफ्तार से आगे बढ़ पाएगा। बीपीसीएल के खुद के नेट जीरो टारगेट हैं, उनको अपना पॉल्यूशन कम करना है। हुजूरे वाला, बीपीसीएल आज की डेट में फ्री में मिलती है। प्राइस टू अर्निंग से ज्यादा तो बीपीसीएल का डिविडेंड है, वो भी तब जबकि शेयर नीचे से डबल हो चला है। उसके बावजूद बीपीसीएल सस्ती है, और बीपीसीएल छोड़ दीजिए, यही काम, जी हाँ हूबहू यही काम, कंपनियां बदल जाएंगी, ज्वाइंट वेंचर्स के नाम अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन IOC, HPCL, ऑयल इंडिया, ONGC सभी कंपनियां ये काम करने वाली हैं। ये सभी कंपनियां कौड़ियों के दाम में बिक रही हैं। यही कारण है कि सरकारी क्षेत्र की PSU कंपनियां जो कि भविष्य में पॉल्यूशन कम करेंगी, उन पर मेरी खासी फोकस है। मैं अपने क्लाइंट्स को सदैव बिल्कुल मौके पर इन कंपनियों को रेकमेंड करता रहा हूँ, करता रहूंगा आगे भविष्य में। वेल्थ क्रिएट करने वाली कंपनियां यही हैं, क्योंकि अभी तक तो ये बदनाम थी, अभी तक तो इनके वैल्यूएशन सस्ते इसलिए हैं क्योंकि ये पॉल्यूशन फैलाती थी, सनसेट बिजनेस थे, लेकिन अब इनका बिजनेस सनराइज बिजनेस हो गया है। सस्ते वैल्यूएशन का बढ़कर महंगा हो जाना सिर्फ गुजरते हुए वक्त का सवाल है, इसलिए मैं इन पर फोकस बनाए रखूंगा। आप भी अपनी सेवा का एक मौका मुझे नाचीज को जरूर दीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके अभी के अभी मेरा क्लाइंट बन जाइएगा श्रीमान।